हर रोज एक जैसी सब्जी खाकर हर कोई बोर हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर में कोई सब्जी नहीं होती, तो हम यही सोचते हैं कि क्या बनाएं जो नया भी हो और सबको पसंद भी आए। तो आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही एक जबरदस्त टेस्टी नए तरीके की सब्जी की रेसिपी, जिसे जब मन चाहे तब मिनटों में बनाकर तैयार किया जा सकता है। तो चलिए इस सब्जी को बनाना शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने किचन ट्रीट्स केटी में। सुपर टेस्टी इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई या पैन। गैस को हम रखेंगे लो मीडियम। इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच के बराबर ऑयल। आप इसे घी में भी बना सकते हैं, या चाहें तो इसे ऑयल में बनाएं और बाद में थोड़ा सा शुद्ध घी डाल दें, तो इससे सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ऑयल के गर्म होते ही इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा जब पॉप हो जाए, चटक जाए, तो इसमें डालेंगे लहसुन। यहाँ मैंने लहसुन की 10-15 कलियाँ लेकर उन्हें क्रश कर लिया है। आप चाहें तो लहसुन को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। लहसुन को थोड़ी देर भून लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन निकल जाए। हल्का भुन जाने के बाद इसमें ऐड करेंगे अदरक। यहाँ मैं 1/2 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ मैंने ली हैं 2 हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसमें जाएगा प्याज। मैंने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिन्हें ग्राइंड कर लिया है। आप प्याज को बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर इसे 4-5 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द ही चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और नई नई रेसिपीज देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी हमारी कोई नई रेसिपी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अब प्याज अपना कलर बदलने लगा है। अब देखिए इसमें अच्छा कलर आने लगा है, गोल्डन ब्राउन सा। अब प्याज अच्छे से भुन गया है, प्याज का मसाला तैयार हो गया है। इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, तो अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हींग। इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगी 1/2 चम्मच हल्दी। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो प्योरी। मैंने यहाँ 4 टमाटरों की प्योरी ली है। आप चाहें तो टमाटर को बारीक काट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन टमाटरों को ग्राइंड करके डालने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। इन टमाटरों को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। इन्हें कम से कम 3-4 मिनट तक भून लेंगे, या जब तक इनका कच्चा फ्लेवर न निकल जाए। तो इन टमाटरों को भी मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। अब मसाला किनारे से थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ने लगा है, तो अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक, या स्वाद अनुसार नमक आप इसमें डाल दें। अब आप देख सकते हैं कि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, और कितना अच्छा कलर भी आया है। इस समय आप चाहें तो फ्लेम को लो करके इसे थोड़ी देर ढक दें। ढकने से भी मसाला ऑयल जल्दी छोड़ देता है और जल्दी पक जाता है। मसाला देखिए अच्छे से भुन गया है, तो इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे 2-3 बड़े चम्मच दही। इससे ग्रेवी में बहुत अच्छी थिकनेस भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। दही को डालने के बाद आपको इसे छोड़ना नहीं है, इसे लगातार चलाते रहना है, जब तक दही ग्रेवी में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अगर आप छोड़ देंगे तो दही टमाटर के साथ फट जाएगा, और आप इसमें जो दही डालें वो दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताज़ा हो, क्योंकि दही अगर ज़्यादा खट्टा होगा तो सब्जी अच्छी नहीं लगेगी। दही मिक्स होने पर अपना तेल भी छोड़ने लगेगा, तो दही को भी टमाटर के साथ ही लगातार चलाते हुए भूनेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो गया है, तो इस स्टेज पर मैं ग्रेवी में गाढ़ापन लाने के लिए डाल रही हूँ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, भुने हुए चना। यहाँ मैंने सिंपल 2 चम्मच भुने हुए चनों को लेकर उनका छिलका हटा दिया है और उन्हें ग्राइंड कर लिया है। सब्जी में इसे डालने से ग्रेवी में गाढ़ापन आता है और इसका टेस्ट सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है। ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप किसी भी सब्जी में इसे डाल सकते हैं। अगर आपके पास भुने हुए चने ना हो तो आप यहाँ पर बेसन को हल्का भून करके भी सब्जी में डाल सकते हैं।
इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसे भून लेंगे। मैं तो बेसन को भूनकर सीसी में भरकर किचन में रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब भी कोई सब्जी बनाओ और बेसन डालना हुआ तो तुरंत बेसन को भूनना नहीं पड़ता, पहले से ही तैयार बेसन को सब्जी में डाल सकते हैं, सब्जी भी जल्दी बन जाती है। इसी तरह से आप भुने हुए चनों का पाउडर भी पहले से बनाकर रख सकते हैं, इससे भी आपका काम आसान हो जाएगा। मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे पानी। आप जिस तरह की ग्रेवी पसंद करते हो, गाढ़ी या पतली, उसी हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें जाएगा 1 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप जितना तीखा पसंद करें उतनी मिर्च आप इसमें डाल सकते हैं। इसे भी कर देंगे मिक्स। इसे थोड़ा पतला ही रखें क्योंकि पकने के बाद ये ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। और अब इसमें बॉयल आने देंगे और बॉयल आने के बाद इसे ढककर 3-4 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो अब ग्रेवी अच्छे से तैयार है। तो अब इसमें मैं फ्लेवर लाने के लिए डाल रही हूँ 2 चम्मच नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। इससे सब्जी में एक अलग सा टेस्ट आएगा। और अब इसमें जाएगी फाइनल रूप से वो चीज़ जिसकी हम सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ मैंने ली है 1/2 कप सेवई। नॉर्मल सेवई है, किसी भी किराना स्टोर या जनरल स्टोर पर आपको इसका पैकेट आसानी से मिल जाएगा। इन सेवई को मैंने लो फ्लेम पर हल्का ब्राउन होने तक भून लिया था। इसे कर देंगे अच्छे से मिक्स। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने मीठी सेवई, नमकीन सेवई तो कई बार खाई होंगी और बनाई भी होंगी, लेकिन सेवई की इस तरह की सब्जी आपने कभी नहीं खाई होगी। यहाँ मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है और जब सेवई पकेंगी तो ये सब्जी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। इस सब्जी को आप जब कभी आसानी से बहुत ही कम सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर घर में कभी सब्जी नहीं है तो भी आप इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। इसे 2-3 मिनट के लिए कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं तो सब्जी को चेक कर लेते हैं। सब्जी पक गई है, सेवई पककर सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। इसे इस तरह से मसल कर डालें, इसकी खुशबू और स्वाद सब्जी में बहुत ही बढ़िया आता है, तो इसे आप ज़रूर डालिए। और साथ ही इसमें जाएगा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। इसे कर देंगे सब्जी में मिक्स। सब्जी बनकर तैयार है। मैंने इसमें कोई भी मसाला नहीं डाला है, वो इसलिए क्योंकि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैगी मसाला। इससे इसका स्वाद इतना बढ़िया आएगा कि बच्चे और बड़े सभी सब्जी को मांग मांग कर खाएंगे। आप अगर इसे ना डालना चाहें तो सिंपल गरम मसाला या सब्जी मसाला डालकर भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। तो गैस को कर देंगे ऑफ और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बहुत टेस्टी हमारे नए तरीके की सेवई की सब्जी बनकर तैयार है। इसे आप सेवई भाजी भी कह सकते हैं। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। क्या मस्त सब्जी है, बहुत ही बढ़िया। ऊपर से डाल देंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। तो आप इस अनोखी सब्जी सेवई भाजी को बनाइए और इंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय।